यज्ञ और अयज्ञ, यज्ञ और अयज्ञ, वर्दी एंड अनवर्दी, ये मन का विचार है। कभी कभी हमें सोच लेते हैं, कंक्लूड भी कर लेते हैं, परिणाम में पहुंच जाते हैं और बोल देते हैं कोई ये योग्य है ये अयोग्य है। कैसे कैसे? मान लीजिए एक नौकरी के लिए आपका पास 10 पोस्ट है, जो एप्लीकेशन है सपोज 500, नंबर ऑफ जॉब्स वो 10 है, 10। जो एप्लीकेशन भर पर्चा भर के भेजा है और नौकरी बनाने के लिए जिसका आग्रह है, जिसने अप्लाई किया है, सोच लीजिए, मान लीजिए ये लोगों का संख्या है 500। तो कोई भी है, कुछ भी है, कुछ भी हो जाए, एग्ज़ाम होगा, आपका मेथड कुछ भारी करेगा, अलग सा परीक्षा भी आपको देना करना पड़ेगा, कुछ भी करो, लेकिन अपॉइंटमेंट कितना होगा? 10। तो 500 से 10 को छोड़ के कितना हुआ ना? 490। ये क्वालिफाई कर नहीं पाया। तो आप कैसे सोच लोगे जे ये 10 योग्य है? और नेचुरली हम देखेंगे ये 10 दे आर वर्दी, और जो फेल हो गए, जो क्वालिफाई न कर नहीं पाए, वो अयोग्य है। ये बाहर का चेतना में, बाह्य चेतना में हम इसको मान लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं। फिर भी आपका जो गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन कोटा सिस्टम, ये बोलना नहीं चाहिए, आपको ज़रूर मालूम है। मैं भी बहुत बड़ा उच्च वर्ग का बहुत बड़ा बच्चा होगा, जो 100 से 95 रखते हुए भी डिस्क्वालीफाइड, अनवर्दी, अयोग्य बन गया। लेकिन रिजर्वेशन कैटेगरी में अगर कोई आता है तो ये 100 से अगर 30 मार्क 40 मार्क इसको रख के भी वो क्वालिफाई कर जाता है। तो ये आप कभी नहीं बोल सकते। आउटवर्डली तो ठीक है, इसको नौकरी मिलेगा, इसका जीवन तो एटलीस्ट वो सेफ हो गया, ये सब ठीक है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। फिर भी आप कैसे मान लेंगे 95 रखने वाला स्टूडेंट वो अयोग्य है? कैसे आप मानेंगे? क्योंकि आपका सिस्टम तो ऐसे ही है। और भी एक बात बोलता हूँ, दिस इज द स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ टाइम। उस वक्त में क्या आप करते हैं? बहुत आप दिमाग वाले हो, बहुत ज्ञानी हो, बहुत आपको मालूम है, अपना जीवन में कुछ भी आपने मान लीजिए फेल्यूर देखा ही नहीं, असफलता अपना जीवन को छुआ ही भी नहीं, सब कुछ ठीक है। मैं भी मानता हूँ, मैं जानता हूँ, आई डू अप्रिशिएट, मैं सब कुछ ठीक है। लेकिन याद रख लीजिए आप जब तीर लगाते हो, आपका जो गोल लक्ष्य स्थल है आप लगाते हो, लेकिन एक हल्का सा पवन हो गया, आपका गति बदला दिया आपका तीर का, कैसे आप मान लेंगे आप अयोग्य है? कैसे मान लेंगे? एक ऑर्डिनरी बच्चा भी हो सकता है, कोई आर्कर भी हो सकता है, एक तीरंदाज हो सकता है, थोड़ा सा लॉक फेवर कोड कर लिया तो वो क्वालिफाई कर लिया। लेकिन जो बहुत दुरंधर है, शायद मान लीजिए कोई पवन का जो हल्का सा झुका दिया वो पहुंच नहीं पाया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आँखों में थोड़ा सा धूल आ गया, इसका एक्यूरेसी नहीं आया, तो आप बोलेंगे ये अयोग्य है। आउटवर्डली आपको लगता है, मुझे लगता है ये अयोग्य है, ये कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन अयोग्य नहीं है। मैं और एक इंस्टांस देता हूँ, एक बात बोलना चाहता हूँ। ओडिशा का एक डॉक्टर थे, वो चले गए उस टाइम वो सिंपली MBBS थे, बहुत अच्छा आदमी, बहुत मस्त आदमी है, बहुत जमींदार फैमिली को बिलोंग कर रहा था, बहुत जमींदार भी था, और सावित्री में थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी था। श्री अरविंदो के लिए वो जो पूर्णांग शिक्षा केंद्र इंटीग्रल स्कूल एक बनाया था, इसके लिए थोड़ा जमीन भी अपना दान सूत्र में दिया था, सब कुछ ठीक ठाक था। इसका दिमाग में एक चीज़ चल रहा था, मैं कैसे PG करूँगा, क्योंकि मेडिकल वाले आपको तो पता चल गए होंगे, शायद अगर कोई मेडिकल वाले होंगे तो आपको ज़रूर ये अंदाज आपका पास, और ये जरूर ये ख्वाहिश तो ज़रूर होगा, मैं जीवन में एक बार MBBS तो हो गया, डॉक्टर से तो क्वालिफाई कर लिया, मैंने थोड़ा PG करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी ए पोस्ट ग्रेजुएटेड डिग्री MD। तो इसलिए वो चल पड़ा,
माँ को और कुछ खत पत चिट्ठी लिखने पड़ा लगा। तो जितना बार वो एग्जाम दिया वो हर बार वो हर वक्त राउंड मतलब एट द 11th आवर डिसक्वालीफाइड, क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो एक बार इसका दिमाग में कुछ घुस गया, वो चला गया पांडिचेरी। माधव पंडित का हाथ में एक लेटर भेज दिया माँ के लिए, जाओ पंडित जी ये खत थोड़ा माँ को बता दीजिएगा और इससे मेरे लिए जो आंसर होगा रिप्लाई जो उत्तर होगा थोड़ा लेके आना। तो पंडित जी गए, माँ को ये लेटर दे दिया लेकिन कुछ आंसर नहीं मिला। माँ जी और पंडित जी वापस आ गए लेकिन साइलेंटली ये जो डॉक्टर आप इंतज़ार कर रहे हैं, आते आते कुछ ना किया हुआ तो माँ को मैंने दे दिया, आपका दिया हुआ खत तो मैंने खत मैंने दे दिया लेकिन आंसर कुछ नहीं आया। तो बोला फिर दोबारा जब जाते हैं तो उस टाइम माँ के में जो मतलब स्टेयरकेस के पास बैठे होंगे, फिर पंडित को बोलेंगे थोड़ा जाओ पूछ के आओ क्या है समस्या क्या है। मैं एग्जाम देता हूँ मैं एलिजिबल लेकिन क्वालिफाई क्यों नहीं, क्यों नहीं कर पाता। तो माधव पंडित जाते हैं बार 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 वही कोई प्रश्न नहीं। तो माधव पंडित को फाइनली ये डॉक्टर साहब बोल देते हैं जब तक माँ जी मेरा प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे मैं पंडिचेरी छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, चाहे जितना भी वक्त लग जाए ना क्यों, थोड़ा जल्दी मेहरबान करके कृपा करके माँ जी को ये मैसेज बोल भेज देना। आप ये नहीं मान सकते कि माँ को मालूम नहीं है, ठीक है मैं बोल दूंगा। पंडित जी के माँ जी को बोलते हैं उड़ीसा का जो डॉक्टर आपके पास भेजा था लेटर, वो बोलते हैं जब तक आप आंसर नहीं देंगे तब तक वो पंडिचेरी में रहेगा, पंडिचेरी छोड़ेंगे नहीं। माँ जी हंसने लगते हैं और बोल देते हैं हिज जो ये जाओ ये उड़ीसा का ये डॉक्टर को जाओ बोल दो हिज फेलियर इज माई ब्लेसिंग। आप नहीं बोल सकते हैं, आप नहीं बोल सकते कोई कह नहीं सकते ये वज्रता है। लोग तो सफलता के लिए ब्लेसिंग देते हैं लेकिन मैं जो ब्लेसिंग देता हूँ इसका विफलता के लिए ब्लेसिंग देता हूँ, क्योंकि माँ जी आपको जो बोलते हैं आप बहुत अच्छी तरह मालूम है, आप जानते हो परफेक्शन इज आवर गोल नॉट सक्सेस, टाइम मेट सक्सेस, सक्सेस ऑफ टाइम इट इज नॉट आवर गोल। हम क्या सोचते हैं क्या मांगते हैं सफलता पूर्णता मांगते हैं, तो जब पूर्णता की राहों में हम चल पड़ते हैं ये तनिक की जो छोटा छोटा सफलता के पीछे हम जब अगर भाग जाएंगे पड़ जाएंगे तो हमारा जीवन का लक्ष्य तो गाड़ी तो डिरेल हो जाएगा, लक्ष्य से हम बिल्कुल ओवर जाएंगे, हम भाग के चले जाएंगे तो कुछ दूसरा डिरेक्शन ढूंढ लेंगे। तो कैसे आप मान लेंगे वो अयोग्य था, माँ जी चाहते हैं दिस इज व्हाट इज प्री डेस्टिड प्री फिक्स्ड, ये नियत तो आपके लिए जो स्क्रिप्टर वो लिखा हुआ है। और इधर एक प्रश्न का उत्तर देकर श्री अरविंद जी बोलते हैं बहुत सुंदर चमत्कार सा, मनुष्य अपने बाहर प्रकृति के प्रकृति में योग्य और अयोग्य होता है। इन द एक्सटर्नल नेचर बाहर प्रकृति में योग्य होता है या अयोग्य होता है, योग्य अयोग्य का अपोजिट नहीं है। जहाँ पे योग्यता नहीं होता है, जहाँ पे योग्यता नहीं होता है अंधेरा, जहाँ पे है मतलब अंधेरा है मतलब रोशनी का अभाव अवर्तमान एब्सेंस ऑफ लाइट। तो ऐसे ही क्या है ये योग्यता नहीं है, तो ये मन का विचार है जो भी होते योग्य अयोग्य होता है वो बाहर प्रकृति का था, इट इज एक्सटर्नल नेचर, ये वो योग्य होता है या अयोग्य होता है। लेकिन आपको मान लेना चाहिए क्या होता है, लेकिन अंदर की अंतरात्मा और ऊपर की एक कृपा है। बाहर बाह्य मन में अगर आप सोचेंगे मैं हार गया मैं योग्य हूँ मैं अयोग्य हूँ, ये इज एक्सटर्नल कंसेप्ट। अगर थोड़ा सा आप अंदर जाएंगे देखेंगे तो क्या देखेंगे, आपका अंदर एक अंतरात्मा है और बाहर एक कृपा है, ये दोनों जिस पॉइंट में काम करेंगे, ये लोगों का जो भी मर्जी है वो जैसे ही चलेंगे आपको चलना पड़ेगा। आप नहीं बोल सकते हैं इतना ही कर सकते, आपको मान सकते हो मान लेना चाहिए निमित्त मात्र भव सभ्य सची, मुझे मैं आता हूँ यथा निजुक्त स्मी तथा कुरमी, भगवान मुझे बोलिए मैं काम करने आया हूँ मुझे काम में लगा दीजिए, मैं आपका आशीष पालन करने के लिए आया हूँ, मेरा कुछ ऐसे कुछ मेरा स्पेसिफिक इंटेंशन नहीं है, मेरा इच्छा में कुछ नहीं, भगवान आपका इच्छा को मैं परिपूर्ति करने के लिए पालन करने के लिए मैं इधर बैठा हूँ। तो क्या बोलते हैं अंदर एक अंतरात्मा बैठा है और ऊपर में कृपा है, अगर कृपा अगर मिल गया पंगु लंग है ते गिरी मुकम करो ते बाचलम, पंगु चल नहीं पाता वो भी गिरी लंघन करके चला जाएगा, मुकम जो बोल नहीं पाता है बात नहीं कर पाता है वो बाचाल बन जाएगा, बोलता बोलते रह जाएगा और आप सुनते रह जाएंगे थक जाएंगे लेकिन बोलना बंद नहीं होगा। बस
तुम यही जानते हो और तुम्हें यही जानने की आवश्यकता है। मेरा अंतर एक भगवान का सत्ता है, अंतरात्मा है, और ऊपर ऊपर से कृपा आता है। जब अंतरात्मा के अंदर से वाणी आता है, कॉल आता है, काम चलता है, और ऊपर कृपा मुझे मेरा जीवन को परिचालित करता है, योग्य अयोग्य का संभावना कहाँ पे है? और क्या होता है, जो भी मैं करता हूँ, जो भी मैं सोचता हूँ, जो भी मैं चलता हूँ, जहाँ पे भी चलता हूँ, वो भगवान को लेके चलता हूँ। अगर भगवान के साथ लेके जाता हूँ तो ये योग्य अयोग्यता का प्रश्न क्या कहाँ से आता है? माँ जी बोलता है, ट्राई टू बेटर योर सेल्फ एवरी डे, हर वक्त, हर पल, हर काम के लिए, हर वक्त कुछ ना कुछ बेहतर करने के लिए सोचो, कुछ ना कुछ बेहतर करने के सोचो। अगर आप सेटिस्फाइड, संतोष, आत्मसंतोष के साथ रुक जाओगे और आप मानने लगो कि मैं सेटिस्फाइड में जो कर किया वो बहुत अच्छा किया और कुछ होने वाला नहीं, तो आपका क्या होगा ये मान लेना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द ग्रेट। और आपका जो ये नियति का जो ऊर्ध्व यात्रा होता है वो स्टॉप हो जाएगा और आपको स्मशान की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो ये जानने का आवश्यकता है, तुमको जानना, वही जानने का आवश्यकता है। और तुम जान रहो, तुम्हारा अंतर अंतस अंतर भगवान की एक सत्ता है जिसको चैत्य सत्ता बोलते हो, और बाहर बाहर से ऊपर से आता है एक देव कृपा। ये दोनों के आधार करके, आधार बना के तुम चलते चलते चले रहो, चलते चलो, चलते चलो, चलते जाओ, चरैपति चरैपति, कहाँ पर रुकना नहीं, जाना नहीं, जो भी होता है। ऑल स्प्लेंडेड फेलियर्स टू बी विक्ट्री, जो जागता है मैं हार गया, मुरे से कुछ नहीं होगा, डिप्रेशन मत लाओ, खुश हो, भगवान मुझे अपना राहों में चलाते चलाते, अपना हाथ पकड़ के, अंगूठी पकड़ के मुझे इस राहों में चलाते चलाते ले जा रहे हैं, खुश होना चाहिए। फिर श्री अरविंद जी बोलते हैं, अगर तुम नहीं जानते हो तो क्या करना, फिर भी अगर नहीं जानते हो, अंतरात्मा ऊपर का कृपा नहीं जानते हो, योग्य और अयोग्य का विचार करते हो, थक पड़ते हो, गिर जाते हो, वो भी होता है, तो इसी वक्त क्या करना, गिरते पड़ते पर भी तुम उस पर क्या करना, तब तक बने रहना, गिरते पड़ते पर भी पढ़ना होगा, जब तक कि तुम ज्ञान के प्रति खुले नहीं जाते। अगर आपके पास जब तक ज्ञान नहीं आता है तो पढ़ते रहना, चलते रहना, गिरते रहना, और इंतजार करते रहना कब वो वक्त आएगा जो आपको ऊपर को लेके जाएगा, कब वो गाड़ी आएगा आपको बैठा के ऊपर ले जाएगा, जहाँ पे आप अपना नियति बैठा हुआ है इस तरफ लेके जाता है। और माँ जी किसे आपको अपना अंगूठा पकड़ के लेके चलते हैं, और चैत्य सत्ता आपको किससे गाइड करता है। और ये अगर एक बार आपका अंदर आ गया, आपका ये दिमाग में घुस गया, आपका अंतरात्मा इसको जान लिया, तो मान लीजिए ये योग्यता और अयोग्यता का प्रश्न नहीं, ये स्प्लेंडेड फेल्यूर सम टू विक्ट्री, ऑर्डिनरी सक्सेस फेल्यूर में कुछ गिन नहीं सकते हो, लेकिन अगर स्प्लेंडेड फेल्यूर से वो जरूर आपका बैंक डिपॉजिट में, बैंक खाता में डिपॉजिट होता है। एक बार ऐसे आएगा आप सोच नहीं पाएंगे, आप जान नहीं पाएंगे, हिसाब भी कर नहीं पाएंगे, कितने कैसे हो गया, इतना चमत्कार कैसे हो गया। तो योग्य और अयोग्य आपका दिमाग में नहीं, अपना सोच में नहीं है, क्योंकि ये बाहरी विचार है। जब तक आप अंतसत्ता में निवास नहीं करते हो, अंतरात्मा का आवाज़ नहीं सुनते हो, अंतरात्मा को जानते नहीं, अंतरात्मा का गाइडेंस को स्वीकार नहीं करते, तब तक आप ये जो ऑर्डिनरी कन्फाइंस, जो साधारण चेतना में रह के सोचते हो, मानते हो, देखते हो, मेरा सक्सेस हो गया, मैं योग्य हूँ, मैं अयोग्य हूँ, मैं जीत गया, मैं हार गया, वो हुआ, वो हुआ, कभी हंसते हो, कभी रोते हो, कभी माथा पीट देते हो, कभी नाचने शुरू कर देते हो, लेकिन एक बार सही है, डेफिनेटली यही सही है, आपको मानना पड़ेगा भगवान जो भी करते हैं इसका पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य तो है जरूर, और भगवान का उद्देश्य तो, भगवान का संकल्प तो जरूर चरितार्थ होगा। मैं चाहूँ बा ना चाहूँ, मेरे चाहने से, मेरे करने से वो कुछ नहीं है, अल्टीमेटली द विक्ट्री विल बी फॉर द डिवाइन विल और सुप्रीम विल। चलिए, अयोग्यता भी योग्यता में परिणत हो जाएगा, असामर्थ्य में सामर्थ्य आ ही जाएगा। अपना जीवन में जितना अंधेरा है वो अंधेरा तो बहुत चला जाएगा, जरूर चला जाएगा, और उसमें रोशनी आएगा। ये जो रात का अंधेरा देखते हो वो जरूर इसको जाना ही है आपका जीवन में, तो सब सुबह 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 तो आएगा, और दिन का सूर्य का प्रकाश तो जरूर होगा ही होगा। तब ये अगर होना है और ये होना निर्दिष्ट, इट हैज बीन फिक्स्ड, निर्दिष्ट हो गया,
खो चुका है तो डरते हो क्यों, सोचते हो क्यों, टूट पड़ते हो क्यों? चलो कूद पड़ो, चलते रहो, भागते रहो, हंसते रहो, आगे चलो। अपना योग्य अयोग्यता, अयोग्यता रखे नहीं रहेगा, वो योग्यता में रूपांतरित हो जाएगा। वंदे मातरम, धन्यवाद।